गाइस कैसे हो आप सब। आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे और आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। आज मैं फिर से एक लेके आई हूँ क्लीनिंग वीडियो। क्यों? क्योंकि आप लोग तो वही वीडियो देखते हो, जो देखते हो वही तो मैं दिखाऊंगी। अगर मैं वैसे ही कुछ स्टॉक लेके आऊँ आप लोग ना देखें तो मेरी मेहनत हुई बेकार। इतनी मेहनत करती हूँ मैं वीडियो बनाने में, मैं वीडियो एडिट करने में, आप लोगों तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करती है। तो प्लीज़ आप लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे चैनल में नए आते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा वीडियो देखना है, मैं वैसे ही बनाऊंगी। तो चलिए बाहर चलते हैं। बाहर मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ क्लीन करूँ। बाहर चल के ही दिमाग में मेरे जो आएगा वो मैं क्लीन करूँगी। आप लोग भी चलिए मेरे साथ। तो चलते हैं। तो दोस्तों अब मैं बाहर आ गई हूँ और अब मैं क्लीन करूँगी। आप लोग भी देखिए गेट कैसे क्लीन करती हूँ। तो जैसे तैसे मैं कैमरा सेट करती हूँ तो आप लोग म्यूज़िक एंजॉय कीजिए। तो और अब मैं गेट के एक पोर्शन में से हाफ पोर्शन जो है वो क्लीन करने जा रही हूँ। वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि कैमरा सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। फाइनली कैमरा सेट हो गया है तो मैं ये पोर्शन, हाफ पोर्शन जो है इसका क्लीन करूँगी अभी। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैं करती हूँ, इन्जॉय कीजिए अच्छे से। तो ये मैं पूरी जो पत्री लगी हुई है इसमें वो मैं क्लीन करूँगी। तो आराम आराम से मैं क्लीन करूँगी और कोने कोने से धूल निकाल लूँगी ताकि अच्छे से गेट जो है क्लीन हो जाए, कोई भी गंदगी ना रहे। धूल आंधी आती रहती है तो धूल तो हो ही जाती है रोज ही, लेकिन टाइम निकाल के सब जो है क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। जी तो मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ गेट को। तो डस्टिंग को मैं रेगुलर बेसिस पे ही करती हूँ, ऐसे ना कि एक दिन मैंने छोड़ दिया। ये डस्टिंग मेरी रेगुलर होती है। मुझे यही लगता है कि भाई डस्टिंग हो गई तो आपका घर साफ हो गया। मेन वही है डस्टिंग पोछे से ज़्यादा। साथ में म्यूजिक भी लगा हुआ है, आप लोग इंजॉय भी करते रहिए और मेरी क्लीनिंग भी इंजॉय कीजिए। तो आप लोग अगर मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन कुछ भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप बता दीजिए मुझे, मैं वो शेयर कर दूंगी आपके साथ। बहुत टाइम लग जाता है सफाई करने में।
साफ सफाई करते हुए तो हाथों में और कमर में बहुत दर्द होने लग जाता है, कभी कभी तो ऐसे होता है। तो ये मैंने हाफ पोर्शन जो है वो क्लीन कर लिया है, तो अब मैं दूसरा पोर्शन क्लीन करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें और पूरा देखें। तो कैमरा मैं सेट करके आपको दिखा रही हूँ कि गेट का ये इतना जो है एक पोर्शन है। तो देन अगेन मैं इसे क्लीन करने लग जाती हूँ। इसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वीडियो पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा किस तरह से मेरी क्लीनिंग होती है, तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को, हमारा मनोबल बढ़ाएं ताकि हम नए से नए वीडियो आप लोगों तक लाते रहें बिना देरी करे हुए। नहीं तो हो जाता है कि आप लोग ना देखें, तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट डे जो है वीडियो ना बनाऊं, स्किप कर दूं दो चार दिन के लिए कि कोई देखता ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं बनाने का। आप लोग देखिए तो फिर रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आया करेंगे। तो आप लोग देखती रहिए मेरी क्लीनिंग जी। घर के काम तो ऐसे हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, आदमी ख़त्म हो जाएगा, काम वैसे ही पड़े रहेंगे। तो चलिए देख लीजिए, तो अभी मेरा गेट का एक पोर्शन जो है कंप्लीट होने वाला है। तो एक पोर्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है गेट का, अब मैं दूसरा पोर्शन कंप्लीट करूंगी। तो उसमें से भी मैं हाफ पोर्शन करूंगी, क्योंकि कैमरा जो है सेट वर्टिकली हुआ है, तो जितना उसमें आ पाएगा उतना ही मैं क्लीन करूंगी और फिर दोबारा से करूंगी नेक्स्ट पोर्शन। तो अब मैं ये पोर्शन क्लीन कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। तो गाइस आप लोग म्यूज़िक एंजॉय करते रहिए, जहाँ मुझे लगेगा मुझे बोलना है मैं ज़रूर बोलूँगी। तो सफाई कर रही हूँ, तो ध्यान मेरा पूरा सफाई की तरफ है कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, कहीं धूल रह ना जाए, तो इसलिए मैं सफाई कर रही हूँ।
तो मुझे वॉइस ओवर ही करनी पड़ती है, मैं बोल नहीं पाती हूँ। आप लोगों को तो पता ही है क्यों नहीं बोल पाती हूँ। तो एक प्राइवेसी भी है कि अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए। हम कुछ भी बोल रहे हैं, दूसरों को नहीं सुनना चाहिए वो। तो ये मैंने कर लिया है क्लीन अभी, तो अब जो थोड़ा सा पोर्शन रहा है उसे मैं क्लीन करूंगी। देन अगेन कैमरा सेट करने आ गई हूँ मैं। तो सिर्फ अभी यही पोर्शन रह गया है जरा सा क्लीन करने के लिए। तो ये क्लीन हो जाएगा तो मेरा गेट पूरा डन। तो पूरा देखिए आप वीडियो को किस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। तो गेट को एक दिन छोड़ के क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि मेन गेट है और धूल तो नेचुरल है कि इसके ऊपर पड़ेगी ही, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा गेट पूरा साफ हो गया है। म्यूजिक सुनते रहिए आप लोग। गेट मेरा ऑलमोस्ट जो है डन होने ही वाला है। वीडियो में बने रहना आप लोग, पूरा देखना वीडियो शुरू से लेकर एंड तक। तो गाइस मैंने गेट को साफ कर लिया है और बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे न्यू नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सकें। और न्यू वीडियो लेकर मैं कल आती हूँ आप लोगों के पास। लव यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।